नागपुर एग्रो डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत वाइन फेस्टिवल 2013 से हर साल आयोजित किया जा रहा है हर साल की तरह इस साल भी नागपुर वाइन फेस्टिवल का आयोजन दो और तीन दिसंबर को किया गया है इस साल का महोत्सव दसवा संस्करण होगा जिसका उद्घाटन समारोह दो दिसंबर 2023 को शाम साढ़े पांच बजे निर्धारित है ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान नागपुर वाइन क्लब के दीपक खनुजा इनके द्वारा दी गई है उद्घाटन समारोह के बाद यह उत्सव रात साढ़े दस बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा प्रवेश शुल्क सात सौ पचास रूपए प्रति व्यक्ति और सौ रूपए प्रति व्यक्ति दान के माध्यम से है और तेरह सौ रूपए प्रति जोड़ा प्रतिदिन है तीन दिसंबर 2023 को यह महोत्सव दोपहर साढ़े बारह बजे से शुरू होकर रात साढ़े दस बजे तक चलेगा इस वर्ष महाराष्ट्र से बारह वाइनरी भाग ले रही है इसमें सुला गवर्नर जंपा फ्रोजांटे फ्रेटेली रेसवेरा वाइनरी वर्चिन हिल्स गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स यॉर्क वाइनरी वाइनलैंड वाइनरी मून शाइन वाइनरी स्टॉक के अलावा आठ फूड स्टॉल होंगे जिनमें ज्यादातर विभिन्न वाइन के साथ उत्तम भोजन के रूप में विदेशी व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे नमस्कार दोस्तों बार हमारा जो नागपुर वाइन एंड फूड फेस्टिवल है उसका टेंथ एडिशन है इस बार सबसे स्पेशल ये है कि इस बार हमारे पास 12 वाइनरी स्टॉल है आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कभी 12 वाइनरी स्टॉल नहीं आए तो जो भी पार्टिसिपेंट आएगा उसको जो वोचर्स और जो ग्लास में 30 एम का का जो वाइन पोर किया जाता है यानी उसको 12 स्टॉल्स पे 30 एम का वाइन मिलेगा इसके अलावा हमारे पास आठ फूड स्टॉल्स हैं और देर आर थ्री अदर स्टॉल्स प्लस एडिशनली ग्रेप स्टॉम्पिंग इवेंट जो हर साल होता है वी हैव टू सेलिब्रिटीज एक का नाम है नेहा भारद्वाज एंड सेकेंड इज रीत रूपानी देखो सबसे सबको इंतजार रहता है ग्रेप स्टॉम्पिंग का सेकेंड रहता है जो मिक्सो फ्लेयर जो जो जिसके जो, जो बार जगलर है जो अपना फायर से वो लोग जो एक करतब करते हैं वहाँ पे, वो एक एडिशनल अट्रैक्शन रहेगा प्लस एक रॉक बैंड है जो कि आपको म्यूज़िक सुनाएगा जिसमें आप डांस कर सकते हैं प्लस इस बार जो नागपुर में सबसे जो फेमस होता है सबको जो प्यारा होता है वो होता है जामुन का वाइन तो जामुन का वाइन भी है प्लस एडिशनली टू थ्री वाइन टू थ्री नए भी एड हुए हैं नागपुर वाइन एंड फूड फेस्टिवल मध्य भारत का एकमात्र वाइन कार्यक्रम है जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों से आगंतुकों को आकर्षित करने की प्रतिष्ठा हासिल की है हर साल लगभग 2500 से 3000 की संख्या में लोग महोत्सव में आते हैं उत्सव के माहौल को जीवंत बनाए रखने के लिए आगंतुकों के लिए एक लाइव म्यूजिकल बैंड दोनों दिन शाम सात बजे ऐसी रात दस बजे तक प्रदर्शन करेंगे विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण दोनों दिन हमारा ग्रेप स्टॉम्पिंग कार्यक्रम है एक आगंतुक को एक प्रवेश किट प्रदान की जाती है जिसमें वाइन चकने वाले कूपन वाइन ग्लास और ब्रोशर शामिल होते हैं ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गयी है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट